वेलकम नाजीन दी पाकिस्तान डेली के साथ कमर उस्मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो आपको नए साल की खुशियां मुबारक। नया साल आज हो गया, 2022 का पहला दिन, और पहले ही दिन आवाम पर क्या बीत रही, क्या जज्बात है? पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ, 3.98 रुपये, यानी 4 रुपये ही आप कह सकते हैं, 2 पैसे का फ़र्क है। आवाम इसको किस नज़र से देख रहे हैं? इसके साथ साथ जो मिनी बजट है वो भी कौमी असम्बली में पेश हो चुका है। 360 अरब रुपये के नए टैक्सेस दें, और हुकूमत का कहना कि सिर्फ 2 अरब रुपये के टैक्सेस का बोझ जो है आवाम पर डाला जा रहा है, बाकी 358 अरब रुपये कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, आवाम के ऊपर उसका असर होगा नहीं होगा, लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल तो काफ़ी महंगा हुआ है, तो क्या आपने इसका हल क्या निकाला है? किराया बढ़ा दिया, क्या हल निकाला? किराया तो फिर बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि पेट्रोल जो महंगा हो गया इस वजह से। तो कुछ तुम भी हुकूमत के साथ शामिल हो गए आवाम के ऊपर जुल्म तशद्दुद? हमने कौन सा जुल्म करना है? जब तुम किराया बढ़ाओगे तो जुल्म नहीं है? वो बात ठीक है आपकी, लेकिन हमने कहाँ से लाना है? इधर से ही कमाना है ना, या हम घर से लेके आए? तो फिर क्या कहोगे कि आवाम को किस तरीके से महंगाई से निजात मिले, क्या कहोगे हुकूमत को? हुकूमत को खुद चाहिए सोचना, गरीब आवाम है, उन्हें खुद सोचना चाहिए। तो आप खुश हैं हुकूमत से? खुश कैसे होंगे, खुश तो तब हो ना अगर महंगाई सस्ती हो। अच्छा जी, तो आप खुश नहीं हैं? 450 रुपये किलो जो है घी है, ठीक है, चीनी भी इतनी महंगी की है, उन्होंने आटा भी जो है 75-80 रुपये किलो है, ठीक है, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि महंगाई जो कम करें। इसने बेड़ा कर किया है, बाकी पहले जितनी हुकूमतें आई हैं ना, बहुत अच्छा वक्त हर एक का पास होता था, हमने बहुत कुछ देखा है, हर हुकूमत देखी है। सबसे अच्छी हुकूमत जो थी वो जनरल ज़िया की थी, 11 साल उसने की है और 1 रुपया भी उसने महंगाई नहीं की। और अभी जो है इमरान खान साहब की हुकूमत, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये पेट्रोल तो जो है 4 रुपये महंगा हुआ है, 360 अरब रुपये के टैक्सीज आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तुम्हें एक ही गल दसा कि इनकी मेहरबानी है, चला जाए तो किसी होर सीट दे दे, चलो इन भला हो। नहीं जाता तो फिर की नहीं जाना, आखिर जाना ही सू, वोट पैने तो जाना ही जाना सू। पहले वोटा ना आया, वोट पहले तो बगैर वोटा तो ही आया ना। पक्का तो पक्का बिल्कुल? अच्छा नहीं नहीं वोटा दे नाल आया, नहीं वोटा नाल नहीं आया, वो जिस तरह आया हर एक नु पता, तुहानू भी पता। तो फिर अगे किस तरह वोटा दे नाल आणगे बंदे? अगे हुण वेखो जे अल्लाह नु मंजूर होया तो शायद कोई तब्दीली आ जाए। पेट्रोल महंगा, ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो गई है। हमारा जो हम कहते थे ना इमरान खान बहुत अच्छा वक्त आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, गरीब आवाम पता नहीं बकाया जो इसका टाइम रह गया इसने क्या करना है आवाम के साथ, ठीक है। मैं गरीब घराने से तलक रखता हूँ, तनख्वाह पेशा बंदा हूँ, लेकिन इसने बेड़ा गर्क कर दी है। बाकी आप कोई उम्मीद नहीं खान साहब से? मनो कोई उम्मीद नहीं भाई, अच्छा वक्त आएगा। तो फिर कैसे अच्छा वक्त आएगा आवाम का, पाकिस्तान के लोगों का? वो अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है बस, बाकी किसी से कोई तवक्को नहीं, क्योंकि इसके बाद भी जो वज़ीर आज़म आएगा वो इतनी महंगाई ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, वो उसको नीचे नहीं लेकर आ सकता। आज अगर हम कंप्रोमाइज़ करेंगे ना तो मैं इसका कल को ना फ़ायदा होगा, अगर आज हम कंप्रोमाइज़ नहीं ना करेंगे तो मैं कल फ़ायदा नहीं होगा। अगर 4 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया ना तो क़यामत नहीं आ गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ गया, इससे आपको आने वाले दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर। क्या फ़र्क आप लोग देख रहे हैं? 360 अरब के टैक्सेस भी आ रहे हैं, आपको क्या फ़र्क लग रहा है? आप यकीनन इमरान खान साहब की बातों से इतफाक़ करते हैं, उन्हें एक सच्चा लीडर समझते हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि आप उनकी खारजा पॉलिसी देखें, जो उनकी खारजा पॉलिसी है ना बड़ी बेहतरीन खारजा पॉलिसी है, ठीक है, उसके आने वाले वक्त में आपको असरात नज़र आएंगे, ठीक है। ये अभी तो लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, ये इसलिए महंगाई है क्योंकि पिछली हुकूमतें IMF के उनके साथ, अभी IMF के पास नहीं गए, नहीं नहीं उनके साथ कंप्रोमाइज करते थे, वो जो कहते थे वो करते थे, जो अमेरिका, अब क्या कर रहे हैं? अब IMF के अमेरिका कहता था वो करते थे, ठीक है, उसके कंट्रोल में चलता IMF, ठीक है ना। अब अमेरिका की हर बात तो हम मान नहीं रहे, उसको हर बात पे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब IMF, क्या नाम है नौजवान आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। ले जी गुलाम मुर्तजा साहब, एक ऐसे नौजवान हमें मिले हैं अभी तक जितना भी हमने सर्वे किया, जिन्होंने खुल के इमरान खान साहब की पॉलिसियों को सपोर्ट किया है, उन्होंने कहा आज अगर कड़ा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, इनकी खारजा पॉलिसी बड़ी अच्छी है, इनकी बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, ये महंगाई भी जो है इसका ख़तरा भी टल जाएगा। ये आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सब ड्रामे की रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आवाम को तंग कर रहे हैं, आवाम रो रही है, बच्चे बीवी सब दुनिया बैल निकली हुई है, कोई किसी का कोई सोच नहीं रहा, कोई नहीं सोच रहा यार,
ये रोड पे देखें, रोड ही और तो रोड रही है। इससे उम्मीद है आपको फिर जो आपके लिए कोई सस्ती चीजें लेके आए और हर तरह की चीजें? हम तो कहते हैं अल्लाह ताला कोई अच्छा बंदा भेजे, कोई अच्छा अल्लाह ताला अच्छा बंदा भेजे, हम कहीं किसी ने उम्मीद नहीं, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। पेट्रोल की कीमतें 1.5-2 साल हो गए मुझे रक्षा चलाते, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जाती हैं, ये कम नहीं होती, ऊपर जा रही हैं। ठीक है, जरदारी का दौर आया, मुशरफ का आया, नवाज शरीफ का आया, अच्छा दौर था, इस बंदे का दौर आया, हमें समझ नहीं आई कि दुनिया में क्या हो रहा है। कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बाकी चीज़ें सारी एक जगह पे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि ये जो महंगाई है, पेट्रोल बढ़ रहा है गरीब अवाम के लिए। अभी पेट्रोल मैंने 300 का डलवाया, अभी मैं 1-2 सवारी उतारूँगा, पेट्रोल फिर डलवाना पड़ेगा। सारा दिन पेट्रोल डलवा के थक जाता हूँ, शाम को 500-700 मुश्किल मुश्किल है। अच्छा, थोड़ा ये बताओ कि ये टैक्स भी बढ़ रहे हैं, 360 अरब के नए टैक्स मिनी बजट कौमी असम्बली में आ गए, इससे भी तो महंगाई का तूफान आएगा, पेट्रोल भी बढ़ेगा, तो फिर तुम्हारा कैसे गुजर होगा 500-700? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है वक्त जो है ना, अभी बहुत मुश्किल है, जब आगे टैक्स आएगा, महंगाई होगी, तब क्या होगा, अभी बहुत मुश्किल है। तो इकदाम क्या देखें, 4 रुपये पहले जो है 4 दिन ही पीछे किया, उसके बाद आज पहली हुई है, पहली के बाद फिर इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया और आगे भी इंक्रीज़ ही करेंगे जिस तरह के हालात लग रहे हैं। थोड़े दिनों के लिए खुशी खुशी तो नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया होता है पहले 15 रुपये 10 रुपये। महंगाई का कितना तूफान देख रहे हैं, 360 अरब रुपये के नए टैक्सेस आ रहे हैं। महंगाई महंगाई तो जिससे पूछो, किसी के पास भी चले जाओ, स्पेयर पार्ट्स के पास चले जाओ, परचून वाले के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, वो कहते हैं आज का रेट ये है, कल का रेट जो होगा वो कल देखेंगे, कोई रेट अपना एक तयन करता ही नहीं है कोई, यानी कि उसमें कोई साकिन नहीं है, एक जैसा तो है ही नहीं है किसी के पास। खान साहब ने कहा घबराना नहीं है, ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा साल होगा और दूध शहद की नहरें बहेंगी, इसलिए हम नहीं घबरा रहे। खान साहब जिंदाबाद। अच्छा, तो खुश हैं आप? खुश ना भी हो तो फिर भी खुश हैं, खुश ना भी हो तब भी खुश हैं, क्योंकि ये मजबूरी है, मुसल्लत है लगता है कुछ मुसल्लत, ज़ाहिर है ना, पूछने वाला कोई नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, वो कहते सब अच्छा है तो अच्छा है। अब क्योंकि हम लोग उन लोगों में आ गए, जी में जी है, वो कहते जी है, मरना है मरना है, जीना है जीना है, नो टेंशन। मैं तो यही कहूँगा कि ये जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, बाहर की आलमी मंडी में रेट कम हो रहा है और ये रेट बढ़ा के बैठे हुए हैं। अच्छा, बजट में भी कह रहे हैं कि 360 अरब के नए टैक्स, तो कहाँ से ये आवाम को कैसे देखती इसको? ये आवाम तो इस वक्त जो पिसी हुई है, आवाम का तो बुरा हाल हो रहा है, आवाम कुछ भी नहीं कर सकती। मर्जी है वज़ीर आज़म जी, जो मर्जी करी जाए वो हाथ का आ जाए, जो करेगा ठीक करता पाया, मुल्क वो पता है कि मैं की करना है, करता पाया करी जान दो बस, ठीक है, गरीब आवाम का उन्होंने ख्याल नहीं आ रहा तो बस ठीक है, फिर ऐसे तो नहीं होएगा इस मुल्क के बीच। तो गरीब आवाम फिर कोई बदला लेंगे इनके को इलेक्शन कुछ? बिल्कुल लेंगे जी, क्यों नहीं लेंगे, लेंगे जिस तरह ले आए ने उस तरह भेजेंगे भी। यकीन करो गाह भले क्यों नहीं पीना भाई, उत्थे आ पा साढ़े को लेंगे घट बात, बाकी है कि अल्लाह का शुक्र है रोजी देने उन्हें पैदा। पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहोगे? ये हूँ दुनिया के नाल ही असं की कह सकते हैं, मजदूर आदमी हैं, मजदूर बंदे हैं, मजबूरी है, पवाना ही पवाना है। अच्छा, हुकूमत कहती है जी कि जो 360 अरब रुपये के टैक्सेज हैं वो कहती है आवाम के ऊपर हमने सिर्फ 2 अरब रुपये लगाए हैं, बाकी हमने 358 अरब कोठियाँ भरावा अभी किराएदार ही आप समझना, मजदूर बंदे हैं, बीमार, अपना मकान दौरा बना के बैठे हैं, मजबूरी ये हूँ कुछ कर कुछ नहीं सकते, इस तो अलावा ये वक्त में धक्का देने रोटी कमाने बच्चों की। तो क्या कहेंगे वज़ीर आज़म को? शाबाशे भला हो, असं की कह सकते हैं, गरीब आदमी और की कहना था। अल्लाह ताला इमरान खान को हिदायत है कि वो आवाम पर कुछ खुदा खोफी करें, अगर उससे हुकूमत नहीं करनी आती तो वो इस्तीफ़ा दे दे और अपने घर चला जाए, इससे बेहतर तो यही था कि वो 5 साल तो उसका हक है, 5 साल कुछ ना कुछ तो और करने की कोशिश कर लेने दें। अगर उसने 5 साल पूरे किए जो गरीब आवाम है वो भी नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, उसका तो वोट बैंक भी गरीब आवाम नहीं है, तो यहाँ तक कि रोज़ी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है, इतनी मुश्किल हो गई है कि सिक्योरिटी गार्डों की जो पे है ना वो तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया है, 15-16 हज़ार में क्या करेंगे सिक्योरिटी गार्ड। हाँ जी वज़ीर आज़म साहब, ये ज़रा अहम तरीन मसला है सिक्योरिटी गार्ड्स का कि मिनिमम सैलरी जो है वो 20 हज़ार है, मैं खुद मुशाहिदा करता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड को 15-20 हज़ार मिलते हैं, 12 से 14 घंटे बल्कि बाज़ों का 30-30 घंटे उनसे काम लिया जाता है, तो इस इशू को भी एड्रेस करना चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे सूबाई लेवल पे, चाहे कौमी असम्बली के लेवल पे, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे, इस तरह
बुजुर्ग शहरी आमतौर पर ज़्यादातर रिटायर्ड फौजी हैं और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स करते हैं, लेकिन उनके मामलों को प्रॉपर तहफ़ नहीं। तो आप थोड़ा सा कहेंगे कि ये पेट्रोल आपको थोको है कि कुछ सस्ता हो जाएगा, आपकी अपील वज़ीर आज़म सुन लेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है, इससे बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। काम तो फिर ख़राब हो गया ना, अगू पेट्रोल बदना ही बदना, काट नहीं होना। लेकिन जी, उम्मीदों का जो मरकज़ है वो आवाम वो दिल छोड़ रहे हैं, उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। अब वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो उम्मीदें बहाल करने के लिए कुछ इकदाम करें, ताकि उनका 5 साल जो है आखिर में लोग कुछ उनके लिए अच्छा भी कहें।